झलकेगी वो चीज, उनके काम में झलकेगी वो चीज, कहीं उनमें कोई काम चोरी नजर नहीं आएगी, एक अलग से पहचान हो जाती है। तो जो भी तुम्हारे साथी हैं बेटे, आज शायद उनको कुछ वो रह गया हो, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे अपने बुलाओ, उनको अटेंड करें। 50 से ज्यादा भी शायद मैडम ले ही लिया, ये है कि चल जाता है 5-7 ऊपर। और खासतौर पर उन बच्चों को जो कि सेकेंड दिन का सर्टिफिकेट है वो लॉस करेंगे, अपने पिछले साल ले ली, अटेंड कर लिया कैंप, अगर इस साल नहीं करेंगे कहीं वो पता भी नहीं होता ये चीज, तो उनको जरूर बताएं। और बड़ा अच्छा लगता है कि पुराने बच्चे भी तुम्हारे अपने आप आए हुए हैं। शहीद दलबीर सिंह राजकीय महाविद्यालय खरखोदा में एनएसएस के 7 दिवसीय शिविर का आयोजन। कार्यवाहक प्राचार्य श्रीमती किरण सरोहा के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। यह शिविर 30 जनवरी से 5 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है। इस शिविर में 50 विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। शिविर का आयोजन एनएसएस प्रभारी डॉक्टर संगीता मान द्वारा किया जा रहा है। इस 7 दिवसीय शिविर का आज शुभारंभ करते हुए प्राचार्य ने कहा कि एनएसएस का दूसरा नाम अनुशासन भी है। एनएसएस के विद्यार्थी अन्य सभी विद्यार्थियों से ज्यादा अनुशासित और ज्यादा परिश्रमी होते हैं। एनएसएस के सभी विद्यार्थियों ने महाविद्यालय में स्वच्छता की ओर विशेष ध्यान दिया है और आशा है कि भविष्य में भी यह विद्यार्थी ऐसा ही करेंगे। कुछ लेक्चर होंगे, कुछ हम एक दूसरे के साथ सहयोग, आपसी सहयोग की भावना को सीखेंगे। दूसरा, गांव में जाके किस प्रकार की हमने कैंपेनिंग करनी है, किस प्रकार की हमने एक नुक्कड़ नाटक भी हम करने की कोशिश करेंगे, ताकि वहां पे जाके लोगों को हम संदेश दे सकें, जो वो नशा दूर करने का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, या पर्यावरण को बचाने का। तो ये सभी कार्य जो हैं हमारे साथ साथ एक्टिविटी चलेंगी, उसके साथ साथ कल्चरल एक्टिविटी भी हम लेकर चलेंगे, ठीक है। तो डे बाय डे आप सबको सारी एक्टिविटी जो है वो करवाई जाएंगी, और ज़्यादा से ज़्यादा हम टाइम को यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। बीच में खान पान की व्यवस्था भी होती रहेगी। तो मैं सभी स्टाफ मेंबर्स का और मैडम प्रिंसिपल का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।